राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक शर्मा, कार्यालय मंत्री आलोक संजर समेत सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का फूल माला के साथ स्वागत किया। महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का तिलक लगाकर स्वागत किया। हालांकि भोपाल से बाहर होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित नहीं रहे। राज्यसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित होने पर प्रभात झा ने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि उन्हें जिस विश्वास के साथ प्रदेश के हित और विकास के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हम तो राज्य के हित में वहाँ रहेंगे, राष्ट्र के हित में और राज्य के हित में जो भी बातें होंगी उसको वहाँ पर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा हो, जिस नाते हमें चुनकर भेजा गया है। मिशन 29 है, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। जैसे विधानसभा में जीते ऐसे ही लोकसभा में भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सत्यनारायण जटिया ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा तय किए गए मिशन 272 को हर हाल में पूरा करने की बात कही। जटिया ने कहा कि पार्टी और संगठन के साथ एकजुट होकर भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह ही विजय पताका फहराना है। विकास की ओर आगे कदम बढ़ा चुका है और लोगों का भरपूर समर्थन 2013 के चुनाव में मिला है। शिवराज सिंह जी की सरकार को शानदार जीत मिली है। उस जीत से उत्साहित होकर के कार्यकर्ता मिशन 272+ और स्टेट में 29 में से 29 सीटों को जीतने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमारे निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। पार्टी के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसका जिला स्तरों पर क्रियान्वयन करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सारे लोग इस सारे काम में जनता का सहयोग ले रही है। एक नोट और कमल पर वोट, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कलम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरने की योजना को प्रदेश में हर जिले पर यथार्थ में करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। MSTV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।